वीडियो में मैं आपको क्रॉस पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। तो इसके क्रॉस पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। यहाँ पर 12 इंच चौड़ा है और नीचे की साइड हमने 10 इंच लंबा लिया है। ये सिंगल रखा हुआ है, डबल नहीं है। इसको एक साइड पे मैंने 3 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर, और नीचे की साइड पॉकेट की लंबाई रखी है 5.5 इंच। इस तरीके से हम इसको एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने अपनी पैंट का जो कपड़ा है आपका, उसको लेना है। पैंट को हमने जहाँ पे पॉकेट लगानी होती है वहाँ से कटिंग करी होती है, तो उसका एक पीस लेंगे हम। वहाँ पे हमने इसको जो पॉकेट का कपड़ा है वो हमारा ऊपर की साइड है, यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे हम बाहर की तरफ का जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इसको इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने पॉकेट का कपड़ा जो है वो दूसरी साइड कर देना है। इस तरीके से इसको पकड़ना है और इसको ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। अब ये टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने पॉकेट का जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड हमने इस तरीके से करना है, पूरा पूरा, मतलब जो 3 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पे कट करा है, दूसरी साइड का जो कपड़ा है उसको पूरा लेना है। इस तरीके से हमने इस पे भी एक स्टिच लगा देनी है। पैंट के कपड़े के साथ इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले आप जो पॉकेट का कपड़ा है इसको नीचे की साइड से हम सिल लेंगे। इस तरीके से पॉकेट के कपड़े को सिल देते हैं और ऊपर से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब पॉकेट हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें पैंट का दूसरा पार्ट लेना है, उसको इस तरीके से ऊपर से रखेंगे और एक सिलाई ऊपर से लेकर नीचे तक लगा देंगे। अब जब इसको हमारी पॉकेट जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।